पाइपलाइन फाड़ रहे हैं, कभी कभी ये बिजली की तार फाड़ कर दे रहे हैं, पानी की फाड़ रही है, पानी की भी लोगों को परेशानी हो रही है और बिजली की परेशानी हो रही है, जबकि लाइट वालों का इसमें कोई कसूर भी नहीं है, वो तो बेचारे काम कर रहे हैं। क्या नाम है अपना भाई साहब? मेरा नाम सुकुमार कश्यप। अच्छा कश्यप जी, लाइट का क्या मामला है यहाँ पर? देख रहे हैं भाई, जैसा होगा एडजस्ट करवाएंगे जल्दी। क्या कमी पाई यहाँ पर, लाइट सप्लाई क्यों नहीं आ रही है? यार केबल फॉल्ट हो गई है अंदर। कैसे हो गई है? ये जो पाइप लाइन काम चल रहा है उनकी कमी से हुआ थोड़ा। कब से सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रही है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ खान उबै जुलूस। आज हम बात करेंगे रामपुर बिजली विभाग और रामपुर की गैस में जो पाइपलाइन डल रही है अंडरग्राउंड, उसको लेकर काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये मामला रामपुर के बिजली घर पनवड़िया से जुड़ा है। पनवड़िया बिजली घर क्षेत्र के तीतरौली पाखड़ पर कहीं पर गैस की पाइपलाइन डालते समय लाइन 11,000 की फॉल्ट हो गई, जिसके चलते क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। यानी कि शाम 6 बजे से अभी तक सप्लाई गायब है और बिजली विभाग के कर्मचारी उस फॉल्ट को ढूंढने में लगे हैं। बहरहाल अभी तक फॉल्ट नहीं मिला है और वहां के जो पूर्व मेंबर हैं शाकिर, उनकी शिकायत पर बिजली के आला अधिकारी मौके पर हैं और कर्मचारी भी हैं जो कि सप्लाई चालू करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वही हमने पूर्व मेंबर शाकिर से भी जाना, आखिरकार आज जो लाइट में फॉल्ट हुआ है, क्या है पूरा मामला, सुनिएगा उन्हीं की जुबानी। एक घंटा लगेगा, दिल्ली वाले बता रहे हैं एक घंटा लगेगा। क्या मामला है यहाँ पर मेंबर साहब? अब ये जो आजकल गैस लाइन पड़ रही है, इसमें जो कुछ अंडरग्राउंड वो बोर कर रहे हैं, उससे कुछ 11,000 की लाइन को कुछ फॉल्ट हो गई। अब जो एक्स्ट्रा 11,000 की लाइन पड़ी हुई है, उसको बिजली वाले बेचारे दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो लाइन पड़ी जो वायर है, अगर ये ओपन वायर अगर उतारते नहीं तो इस वक्त वो चालू होकर आसानी से सप्लाई मिल सकती थी। शाम से पूरा मोहल्ला अंधेरे में, घर बहुत सुन्नत था, घर में अकेल नई बस्ती सतून संघ तीतर वाली पाकर कोटी चब्बार सारे एरिया में अंधेरा छाया हुआ है। अब बिजली वाले आए हैं, अंडरग्राउंड वाले कोशिश कर रहे हैं। ये मैं चेयरमैन साहब से अपील करूँगा कि जो गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं, इनके पास या तो कोई नक्शा होना चाहिए, कोई गाइडलाइन होना चाहिए। ये ना किसी की सुनना है, ना किसी को देख रहे हैं। अंधे नगरी चौपट राज बनाए हुए हैं, अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। अब 11,000 की लाइन में इन्होंने फाइल कर दिया है, पूरा मोहल्ला उसको झेल रहा है। अगर ये ध्यान देकर काम करते तो ये परेशानी शायद नहीं आती। चेयरमैन साहब मेहरबानी करके इस ओर ध्यान दे दें ताकि और शहर में लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ के लोग तो परेशानी उठा ही रहे हैं, लेकिन शहर के और लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि गैस लाइन वाले कुछ भी नहीं देता। आज जो हुआ है, आज क्या हुआ, गैस लाइन से क्या हो गया? क्या गैस पाइप लाइन पड़ रही है गैस की, वो अंडरग्राउंड बोर कर रहे हैं, उनके पास ना तो कोई नक्शा है, ना कोई मैप दिया गया है, और ना वो किसी से पूछ रहे हैं, ना किसी से कुछ कह रहे हैं, अपना खुद जा रहा है। खुदाई में कुछ तार वगैरह भी कटा है, उसमें 11,000 का तार था, वो कुछ डैमेज हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो गई। वो डैमेज जो तार हुआ है, विभाग ढूंढ रहा है, हाइडल विभाग, मिला नहीं मिला अभी? अब वो अंडरग्राउंड वालों का है किस्सा, वो बेचारे इलेक्ट्रिशियन वाले आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। पाइप लाइन में फट गए। क्या नाम है अपना भाई साहब? मेरा नाम सुकुमार कश्यप। अच्छा कश्यप जी, लाइट का क्या मामला है यहाँ पर? देख रहे हैं भाई, जैसा होगा एडजस्ट करवाएंगे जल्दी। क्या कमी पाई यहाँ पर, लाइट सप्लाई क्यों नहीं आ रही है? केबल फॉल्ट हो गई है अंदर। कैसे हो गई है? ये जो पाइप लाइन काम चल रहा है उनकी कमी से हुआ थोड़ा। कब से सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रही है? तीन घंटे सप्लाई नहीं है। तो इसमें जो है कहाँ फॉल्ट नहीं मिला आपको? हाँ, वो ढूंढ लिया, अब चेक कर रहे हैं। मिल गया फॉल्ट कहाँ है? अंडरग्राउंड कट गया, 11,000 में हुआ है जी। अच्छा, आपके विभाग द्वारा FIR भी दर्ज करवाई गई है उन पर? शायद क्लियर नहीं कर सकता मैं, जगह जगह ऐसी परेशानी आ रही है जी। किसी कमी मान रहे हैं आप? ये कुछ विभाग की भी है, कुछ उनकी भी है। तो अब लाइट की आने की संभावना कब तक? कम से कम 1 घंटे के समथिंग मान। 1 घंटे मान लीजिए। कैसे कर रहे हैं, उसी को चालू कर रहे हैं? ओपन एस्पायर केबल जो पड़ा है उसे देख रहे हैं।